पुलिस अभिरक्षा से कैदियों के फरार होने की घटनाएं तो आपने जरूर सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हां, दरअसल जालौर में पुलिस अभिरक्षा से ट्रकों के फरार होने का मामला सामने आया है, जहां पुलिस अभिरक्षा से एक या दो नहीं बल्कि 6 ट्रक फरार हो गए। मामले की भनक लगते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं एसपी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि जालौर में बीती रात खनिज एवं आरटीओ विभाग द्वारा ओवरलोडिंग के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 15 ओवरलोड ट्रकों को सीज किया गया था, जिन्हें उन्होंने कदौरा थाना पुलिस को सुपुर्द किया था। सीज किए गए 15 ट्रकों को थाने में खड़ा किया गया था। तभी आज सुबह 15 ट्रकों में से 6 ट्रक गायब थे। थाने से ट्रक गायब हो गए, पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। जिसके बाद दोपहर तक जब ट्रकों की गिनती की गई तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामले को लेकर पुलिस ने काफी मशक्कत भी की, लेकिन भागे हुए ट्रक उनके हाथ नहीं लगे, जिससे मोरंग के ओवरलोड के खेल में पुलिस की संलिप्तता भी साफ नजर आ रही है। मामला जब एसपी के संज्ञान में पहुंचा तो उन्होंने पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दिए। ये जानकारी में आया है कि बीती रात एआरटीओ नायब तहसीलदार और एसएचओ कदौरा की मौजूदगी में 15 ट्रक विभिन्न कारणों से ओवरलोडिंग अन्य कारणों से सीज किए गए थे और उन्हें थाने में स्थान न होने के कारण मुख्य मार्ग पर खड़ा किया गया था। सवेरे 6 ट्रक इसमें से मिसिंग है, जिसके संबंध में स्थानीय पुलिस जांच कर रही है और उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।